महाभारत जी में एक घटना आती है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और जिसमें स्वयं गुरुदेव द्रोणाचार्य जी महाराज से कुरुसेना के सेनापति बने हुए थे और किसी के रोके रुक ही नहीं रहे थे, कोई उनको परास्त नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने ये प्रण ले लिया था कि वो गुरुजी के ऊपर महाराज ऐसा कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो गुरुजी को मारेंगे नहीं, वो हमारे गुरु हैं। तो कोई जब ऐसी स्थिति बन गई कि कोई द्रोणाचार्य को परास्त कर ही नहीं पा रहा था तो युद्ध नीति का एक दूसरा नियम अपनाया गया, साम दाम दंड भेद। भेद की नीति ऐसी अपनाई गई, भीम ने क्या किया कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम है, तो अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने ले जाकर के गदा और मार दिया। जैसे ही गदा से मारा अश्वत्थामा हाथी मर गया। तो जैसे ही ये मरा तो भीम ने आवाज चिल्लाना शुरू कर दिया, अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा। जैसे ही ये चिल्लाना शुरू किया तो जैसे ही ये आवाज गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को सुनाई पड़ी, गुरुदेव भगवान का शरीर कांप गया। गुरुजी ने तुरंत पूछा, सामने अर्जुन से युद्ध हो रहा था, ए अर्जुन ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सत्य है अश्वत्थामा मर गया? अर्जुन ने भी कह दिया, हाँ 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 गुरुजी मर गया मर गया। तो बिहारी जी वही थे, बिहारी जी रथई हाँ कर रहे थे, भगवान कन्हैया से पूछा, बोलो बिहारी जी अश्वत्थामा मरा? बोले हाँ हाँ मरा मरा, अश्वत्थामा मरा। बोले नहीं, हम तुम लोगों की बात नहीं मानेंगे, तुम सब लोग झूठ बोलते, ये बिहारी जी ये तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये भी झूठ बोलते। तो बोले कौन कौन कह देगा तो मान लोगे? बोले धर्मराज युधिष्ठिर अगर कह दे तो हम मान लेंगे, युधिष्ठिर सत्यवादी है। अब जैसे ही ये कहा कि युधिष्ठिर कह दे तो बिहारी जी ने कहा, भैया कह दो, बड़े भैया कह दो। बोले हम नहीं कहेंगे, झूठ तो हम बोल नहीं सकते। अरे जरा सा झूठ बोल दो, इसमें क्या दिक्कत है, इतना नहीं बोलोगे तो कम से कम अब लड़ाई बंद ही नहीं होगी, इतना बोल दो क्या दिक्कत। बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलोगे? बोले नहीं बोलेंगे। तो क्या करोगे? बोले हम सत्य बोलेंगे। भगवान बिहारी जी ने कहा, अच्छा तुम सत्य बोलो, सत्य क्या है ये बोलो। तो अब सुनो, अब क्या सत्य का बोला, ये महाभारत जी का श्लोक मैं बोल रहा हूँ, सत्य सुनी, उन्होंने सत्य ही बोला युधिष्ठिर जी ने, लेकिन भगवान ने उसमें भी पर्दा डाल दिया। क्या पर्दा डाल दिया, अब ये गौर से सुनोगे समझ में आएगा। उन्होंने कहा, गुरुदेव भगवान, अश्वत्थामा मरा ना जानामि नरा वा कुंजरहा। जैसे ही ये शब्द बोला तो भगवान बिहारी जी ने क्या किया, जोर से शंख लिया तो जोर से फूंक दिया, तो इतनी शब्द तो उन्हें सुनाई पड़ा कि अश्वत्थामा मरा, ये उन्हें सुनाई पड़ा, लेकिन ये सुनाई ही नहीं पाया कि नरावा कुंजरा, ये सुन ही नहीं पाए। और इतनी बड़ी बात जैसे ही सुनाई पड़ी कि अश्वत्थामा मरा, उन्होंने तुरंत वहीं पर शस्त्र छोड़ दिए। भरत द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आया, उसने चक्र से और उसने तलवार से सर काट दिया। इस समय इस तरीके से द्रोणाचार्य जी युद्ध में मारे गए थे। तो इस झूठ का समर्थन करने का आरोप युधिष्ठिर जी पर भी लगा, इसलिए उनकी एक उंगली ये छोटी वाली कनिष्ठिका ये गल करके गिर गई, बाकी सशरीर युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग में गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। नहीं असत्य शम पातक पुंजा, गिरिशम हो ही की कोटिक गुंजा, और नहीं सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बड़ा कोई और धर्म नहीं होता है, इसलिए सत्यवादी होना चाहिए। अब महाराज युधिष्ठिर जी तो सशरीर स्वर्ग चले गए।